नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक कोलकाता की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी। कोलकाता के हॉस्टल में एक राज नाम का लड़का पढ़ता था। जो राज था वह बिहार से था और राज सीए की तैयारी कर रहा था। राज ने एक बहुत ही बढ़िया हॉस्टल देखा था, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। राज भी खुश था, वह मॉर्निंग में उठता, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करता, उसके बाद कॉलेज जाता, कॉलेज से घर आता और उसके बाद से पूरी रात राज पढ़ाई करता। तो राज का जो टाइम टेबल था एकदम सेट था। राज एक पढ़ाकू और सिंपल लड़का था। राज जिस मकान मालिक के यहाँ था उस मकान मालिक की मात्र एक बेटी थी जिसका नाम था रूपा, और रूपा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। रूपा का जो जन्म है बहुत ही लेट हुआ, इसकी वजह से रूपा के जो माँ बाप थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे और रिटायर कर गए थे। तो रूपा कोई जॉब नहीं करती थी, रूपा का बस यही काम था कि हॉस्टल की देखभाल करना, और जो हॉस्टल से पैसे आते थे रूपा का काम चलता था। और रूपा के जो फादर थे वे सरकारी ऑफिस में पहले काम करते थे, तो रिटायरमेंट के बाद से उनको पेंशन आता था। तो रूपा की लाइफ यहाँ पर एकदम सेट थी। रूपा हर रोज़ रात में हॉस्टल एक बार देखती थी कि कितने लोगों ने कमरे की लाइट जला रखी है, कौन क्या कर रहा है, किसने कमरे की लाइट पंखा वगैरह बंद किया है। मतलब रूपा का ना ये जिम्मेवारी था कि उसको पूरा सब कुछ देखना था। जब सब कुछ ओके हो जाएगा फिर रूपा जाएगी सोने के लिए। तो रूपा यह काम ईमानदारी से करती थी। रूपा की नज़र एक दिन राज के कमरे में पड़ी और रूपा ने देखा कि राज पढ़ाई कर रहा है। राज बहुत ही हैंडसम था, रूपा का जो दिल था ना राज के लिए धड़कने लगा। और रूपा रोज रात में राज को देखती थी खिड़की के द्वारा, काफ़ी समय तक देखती थी, और जब उसका मन भर जाता था तो वह रूम में जाके सो जाती थी। रूपा को ऐसा लगता था कि राज उसको नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन राज ने देख लिया कि रूपा मुझे देख रही है और काफ़ी समय से देख रही है। तो राज ने पलट के देखा तो रूपा जो थी वो छुप गई। राज सोचा कि मैं इस लड़की से बात करूंगा कि आखिर यह ऐसा क्यों करती है। लेकिन राज उस समय चुप रहा और रूपा छुपने के बाद से फिर वो अपने कमरे में आके सो गई। नेक्स्ट डे रूपा गई खिड़की से राज को देखने के लिए, तो राज वहाँ पर था नहीं। तो रूपा थोड़ी सी निराश हुई, 10-15 मिनट तक रुकी खिड़की के सामने, फिर भी राज दिखाई नहीं दिया। रूपा ने मन थोर करके फिर ऊपर चली गई। यह सिलसिला करीब 3-4 दिन चला। फिर रूपा को ऐसे डाउट होने लगा कि कमरे की तो लाइट ऑन है बट राज कहाँ है, राज दिख नहीं रहा है। फिर रूपा ने हिम्मत करके राज का जो गेट है ना उसको बजाया और राज ने गेट खोला, और गेट खोलते से ही रूपा का हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया कमरे में। और फिर राज ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों तुम रोज मुझे खिड़की से देखती हो, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम छुप जाती हो, बताओ मुझे। तो यहाँ पर रूपा ने बोला कि नहीं, कोई कारण नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप जग जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे वैसे रूपा ने बहुत सारे बहाने देने स्टार्ट कर दिए, फिर भी राज माना नहीं। राज बोला कि जो भी कहना चाह रही हो तुम बोलो। तो यहाँ पर रूपा ने राज को बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने जब तुमको पहली बार देखा तभी दिल दे बैठी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राज ने खुलासा किया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मकान मालकिन की बेटी हो, इसलिए मैंने इस बात को कभी भी बोला नहीं। मुझे डर था कि कहीं तुम अपने फादर को ना बोल दो, और बोलोगी तो हो सके वो मुझे हॉस्टल से निकाल दे, तो इस वजह से मैं शांत रहा, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर रूपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसने बोला कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ठीक है, आगे फ्यूचर में शादी करेंगे, अभी तुम पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ, रात काफ़ी हो गया है, कल रात में मैं तुमसे मिलने आऊँगी। दोस्तों, रूपा और राज की जो लव स्टोरी थी काफ़ी महीनों से चल रही थी, मतलब 2-3 महीने बीत गए थे, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते थे और ये लोग फिजिकल भी हो गए थे।
और इन लोग की जो लाइफ थी ना मस्त कट रही थी। रूपा के आंगन में एक बहुत ही भारी पीपल का पेड़ था और वह अचानक से बहुत ही तेज का मतलब ऐसे शोर करने लगा, ऐसे पत्ते टूट टूट के गिरने लगे जैसे कि उस पेड़ पे कोई चीज हो जो बहुत तेज का झकझोर रहा है। तो रूपा ने देखा कि पूरा आंगन पत्ते से भर गया है, लेकिन जो मौसम है वह तो काफ़ी अच्छा है, दूसरे जो पेड़ है वह एकदम शांत है, उस पे से एक भी पत्ता नहीं गिर रहा है, लेकिन पीपल का जो पेड़ है उस पे से बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर रूपा को कुछ भी समझ नहीं आया, रूपा ने क्या किया कि झाड़ू उठाया और पूरे पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसको ढक दिया। फिर रूपा चली गई राज से मिलने के लिए। राज से मिलकर रूपा अपने कमरे में जाके सो गई। रूपा के जाने के बाद से राज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद राज की गेट पे खटखट की आवाज़ आई। राज ने सोचा कि अभी तो रूपा मुझसे मिल के गई है, अब कौन आ गया, वो भी इतनी रात को कौन आ गया। राज ने गेट खोला। राज ने जैसे ही गेट खोला उसके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी, और जो स्त्री आई थी राज के गेट पे वह सफ़ेद साड़ी में थी और पूरे घूंघट में थी। घूंघट जो था ना यहाँ पूरे नाक तक था, सिर्फ उसका ठूड़ी दिखाई दे रहा था। तो राज ने पूछा कि आप कौन, किससे मिलना चाहती हैं। तो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और बोली कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते। तो राज ने बोला कि नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप कौन है। फिर वह लड़की बोली कि मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ, जब आप इस घर में पहली बार आए थे तब से मैं आपको जानती हूँ। तो राज बोला कि नहीं, आज के पहले तो मैंने कभी भी आपको नहीं देखा, आप मुझे कैसे जानती हैं, बताइए आपको क्या काम है। तो लड़की बोली कि बस मुझे थोड़ा सा कष्ट है, आप मेरी बातें सुन लीजिए, मेरा जितना भी कष्ट है सब दूर हो जाएगा। तो लड़के ने बोला कि देखिए मुझे कोई रुचि नहीं है आप में, कृपया करके आप आगे जाइए, अपनी कहानी किसी और को सुनाइए, अभी काफ़ी रात हो गया है, इतने रात को अगर मैं आपको अपने कमरे में बुलाता हूँ या फिर यहाँ पे खड़े होकर आपकी बातें सुनता हूँ तो मकान मालिक को ऐसा लगेगा कि मेरा अफेयर है आपके साथ और वह मुझे हॉस्टल से निकाल देगा जबकि मैं जाना नहीं चाहता। तो जो लड़की थी उसने बोला कि नहीं आपको सुनना ही पड़ेगा, और राज गेट बंद करने लगा। तभी अचानक से उस लड़की ने अपना हाथ ऐसे आगे किया और गेट को रोक दिया। राज ने पूरी ताकत के साथ गेट बंद करने की कोशिश की बट गेट बंद नहीं हुआ। यह सब कुछ देख के राज को समझ आ गया कि जो लड़की मुझसे मिलने आई है वह नॉर्मल लड़की नहीं है, वह एक चुड़ैल है। फिर राज ने बोला कि देखो मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ आप चले जाओ, ऐसा मत करो, मैं समझ गया हूँ कि आप कौन है, आप क्या चाहती हैं, प्लीज़ बताइए और यहाँ से जाइए। तो चुड़ैल ने बोला कि बस मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तुम सुन लो, तुम बहुत अच्छे हो, फिर मैं चली जाऊँगी। फिर राज ने बोला कि ठीक है आप अपनी कहानी सुनाइए। तो चुड़ैल ने बोला कि नहीं, यहाँ तो खड़े होकर नहीं सुना सकती, तुम मुझे इन्वाइट करो कमरे में। तो राज बोला कि कमरे में क्यों इनवाइट करूं। तो लड़की बोली कि देखो जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे तब तक मैं अंदर आ नहीं सकती, और जब तक मैं अंदर आऊंगी नहीं, बैठूंगी नहीं, तब तक मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी नहीं। अगर आपने मुझे इनवाइट नहीं किया कमरे के अंदर तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड को मार दूंगी। फिर चुड़ैल अंदर आई, बैठी और राज को बोली कि आप ही की तरह मुझे भी एक लड़के से प्यार था और वह लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, मैं भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन यह चीज़ मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैं और वह लड़का दोनों भागकर शादी कर लिए और हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी महीने डेढ़ महीना बहुत ही अच्छे से कटी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा जो पति था वह दलाल था, उसने मुझे बेच दिया, बहुत ही गंदे जगह पे बेचा और वहाँ पर मैं रहना नहीं चाहती थी, फिर भी मुझे मजबूरन जबरन वहाँ रखा जाता था और मैं इन सारी चीज़ों से तंग आ गई, इसलिए मैंने खुद को लटका लिया इसी पीपल के पेड़ पे। उसके बाद से मैं यहीं पे रहती हूँ और मैं सब कुछ देखती हूँ, इस हॉस्टल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा आप अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी आपसे सुनाऊँ। तो यहाँ पर राज ने बोला कि हाँ आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, आपने कहानी सुनाया, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है,
एक काम कीजिए, आपने अपनी कहानी सुना लिया है तो प्लीज आप अपने घर को रिटर्न हो जाइए। तो यहाँ पर चुड़ैल ने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, मैं डेली पीपल के पेड़ से देखती थी तुम लोग की प्यार मोहब्बत की बातें सुनती थी, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, एक काम करो तुम मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर राज ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, आप इंसान नहीं हैं और मैं इंसान हूँ, कैसे हम दोनों की शादी पॉसिबल है, और पहले से मेरी एक गर्लफ्रेंड है, सो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, प्लीज़ आप चले जाइए। तो यहाँ पर जो चुड़ैल थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई और उसने बोला कि नहीं, तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखोगे, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ, है मेरे अंदर इतनी पावर, इतनी शक्तियाँ। यह बोल के चुड़ैल ने अपना भयानक सा रूप लिया और राज की तरफ गई, राज को मारने के लिए। तभी राज की जो गर्लफ्रेंड थी रूपा, वह सामने आ गई और चुड़ैल को बोली कि देखो बहन, मैं तुमको बहुत दिनों से देख रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आंगन में पीपल के पेड़ पे रहती हो, लेकिन आज तक मैंने तुमको परेशान नहीं किया, तो बेहतर है कि तुम जहाँ से आई हो तुम वहाँ रिटर्न हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चुड़ैल हंसने लगी और बोली कि एक चुड़ैल को तुम धमकी दे रही हो, मामूली सी लड़की। फिर रूपा ने बोला कि मुझे मामूली समझने की भूल मत करना, अभी भी मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है कि तुम अपने पेड़ पे रिटर्न हो जाओ, अपने घर पे चले जाओ, वरना मैं अपना रूप दिखाऊंगी तो तुमको बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो चुड़ैल हंसी और बोली कि ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, आज मैं तुमको मार के तुम्हारा खिस्सा ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद से राज पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर रूपा ने राज को बोला कि तुम वहाँ चेयर पे जाके बैठो, मुझे निपटने दो इससे। तो राज बोला कि नहीं रूपा, तुम नहीं जानती, चुड़ैल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हें मार सकती हैं। तो रूपा ने राज को बोला कि देखो, चुड़ैल से ज़्यादा ताकत मेरे अंदर है, तुम मुझे निपटने दो, यह मामूली सी चुड़ैल है, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर राज चुपचाप चेयर पे बैठ गया और बैठ के तमाशा देखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर रूपा ने जब अपना रूप बदला तब राज को झटका लगा। रूपा एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, रूपा के अंदर डायन विद्या थी और रूपा एक बहुत ही खतरनाक डायन थी, जो कि बहुत सारे चुड़ैलों को अपने वश में करके रखती थी। यहाँ पर राज को पहली बार पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एक डायन है और रूपा और चुड़ैल दोनों में बहुत ही ज़्यादा बहस हुई, लड़ाई हुई, आखिरकार रूपा ने उस चुड़ैल को अपने बस में किया और उसके बाद से नॉर्मल रूप में आई। फिर रूपा ने राज के पास जाके बोला कि राज मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह विद्या पता थी, मैं कभी भी इसका इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर नहीं की और किसी के ऊपर नहीं की, बस मेरे अंदर यह शक्तियाँ हैं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यह विद्या दी थी, लेकिन यहाँ पर तुमको मारने के लिए वह उठी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका खात्मा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में बिना किसी कारण मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन कोई तुम्हारे तरफ फिंगर दिखाए तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर राज थोड़ा सा घबराया और उसने रूपा से वादा लिया कि क्या तुम सच में यह सब छोड़ दोगी। तो फिर रूपा ने बोला कि हाँ, मैं यह सब कुछ छोड़ दूंगी क्योंकि मैं तुमसे सचमुच में बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, घर परिवार बसाना चाहती हूँ। फिर राज ने रूपा के बारे में अपने घर पे बोला और रूपा ने राज के बारे में अपने घर पे बोला, और दोनों फैमिली इकट्ठा हुए, फिर शादी का डेट रखाया, दोनों की शादी हो गई, फिर बच्चे हुए और उसके बाद से रूपा और राज की एकदम नॉर्मल सी लाइफ चलने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर आप लोग के पास इसी टाइप की और भी हॉरर स्टोरी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी नेक्स्ट डे सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, खामसामिदा सारंगी।